थैंक यू पंडित जी, आपने ऋषि को लक्ष्मी के बारे में नहीं बताया। लेकिन लक्ष्मी का क्या, उसके जीवन पर घोर संकट है। पंडित जी, इसका कोई उपाय तो होगा ना? नीलम जी, ऋषि के लिए तो लक्ष्मी मिल गई थी, लेकिन लक्ष्मी के लिए कोई उपाय नहीं है। अब ये लक्ष्मी के भाग्य पर है और भगवान के हाथ में है कि लक्ष्मी इस कुंडली दोष से कैसे बचेगी। इसके आगे हम कोई गणना नहीं कर पाए, परंतु इतना तय है कि 4 से 5 बार उस पर मृत्यु का संकट होगा। किंतु वो कहां से होगा, कैसे होगा, ये बताना इस वक्त संभव नहीं है। ऋषि को शक्ति देने में लक्ष्मी के ग्रहों ने कितनी शक्ति खो दी है, उसी से तय होगा कि वो जीवन जीतेगी या मृत्यु, क्योंकि इसके बारे में अभी हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। परंतु इतना तय है कि 4 से 5 बार मृत्यु का संकट बनेगा लक्ष्मी के जीवन पर। एक बार बचेगी, उसके बाद दोबारा होगा, अगर लक्ष्मी बच गई तो ये मृत्यु का घात अगर है, कब कब होगा ये कुछ पता है? हाँ, लक्ष्मी का जीवन कभी भी पूर्ण हो सकता है, लेकिन ये कितना बचा है ये नहीं जान पाए। लेकिन हम ये जान पाए हैं कि वो संकट कब है, इसका अनुमान निकाल लिया है हमने। तो बताइए। इसमें लिखा है कि कब कब लक्ष्मी के जीवन पर मृत्यु का संकट है। लक्ष्मी के जीवन के लिए आप क्या कर सकती हैं वो आप देख लीजिए। मेरा कर्तव्य था बताना, वो मैंने बता दिया है। अब आप अपना कर्तव्य निभाएं, जो होना है वो होकर रहेगा। अब ये देखना है कि लक्ष्मी के भाग्य में क्या लिखा है। जय श्री राम। हमें देख लेना चाहिए कि कौन कौन सी तारीख पर लक्ष्मी को जान का खतरा है। तब तक हमें ऋषि को लक्ष्मी से दूर रखना होगा। हम नहीं चाहते कि लक्ष्मी की वजह से हमारा बेटा किसी मुसीबत में आए। चाहते तो हम ये भी नहीं है कि लक्ष्मी का कुछ बुरा हो। नफरत करते हैं उससे, उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम चाहें कि उसकी जान चली जाए। नहीं, पर हमें ऋषि के बारे में सोचना है, हमें ऋषि की जान के बारे में सोचना है, बस और कुछ नहीं। ये पहला वार लक्ष्मी पर। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।